इस वीडियो में मैं आपको Amazon पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने के दो तरीके बताने वाला हूँ। दोनों ही तरीके सिंपल हैं और अभी वर्क कर रहे हैं। दोनों मेथड में से एक मेथड फ्री है जिसके लिए आपको एक रुपए का भी चार्ज नहीं देना होगा। एंड जो दूसरा मेथड है, अगर आप इसके थ्रू Amazon टू बैंक करते हैं तो आपको फिर 2% का चार्ज देना होगा, जो गोल्ड बाय एंड सेल करने के कंपेयर में काफी कम है। वैसे तो आप फ्री वाले मेथड के थ्रू ही अपने Amazon पे के बैलेंस को बैंक में भेज सकते हैं, पर मैं आपको दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चार्ज वाले मेथड का यूज करने पर आपको भले ही 2% का चार्ज देना पड़ रहा है पर पैसा आपके बैंक अकाउंट पर तुरंत रिसीव होगा, जबकि फ्री वाले मेथड में चार्ज आपसे एक रुपए का भी नहीं लिया जाएगा पर पैसा आपके बैंक अकाउंट पर 10 से 15 दिनों में रिसीव होगा। तो 10 से 15 दिन एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है, बहुत से लोग इतने टाइम तक का वेट नहीं कर पाएंगे। तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको दोनों मेथड के बारे में बताऊं, फिर आपको जौन सा ठीक लगता है आप उस मेथड के थ्रू अपने Amazon पे के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम चार्ज वाले मेथड के थ्रू कैसे बैंक ट्रांसफर करें वह जान लेते हैं, फिर हम फ्री वाले मेथड के बारे में भी जान लेंगे। तो चार्ज वाले मेथड के लिए सबसे पहले आपके पास एक पेटीएम का फास्टैग होना चाहिए। अगर आपका पेटीएम का फास्टैग ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, एंड अगर नहीं है तो आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सबसे पहले एक पेटीएम का फास्टैग क्रिएट कर लें। इसके लिए आपको एक रुपए का भी चार्ज नहीं देना होगा एंड आपका फास्टैग तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप एक फास्टैग क्रिएट कर लें। तो मैं मानकर चलता हूं कि आपके पास पेटीएम का फास्टैग है, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें, इधर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, इधर साइन अप पर क्लिक करें, उसके बाद इधर अपना नेम एंटर कर लें, इधर मोबाइल नंबर एंटर कर लें, इधर एक ईमेल आईडी एंटर कर लें, इधर से एक पासवर्ड क्रिएट कर लें। करने के बाद साइन अप पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप इजी माई डील के होम पेज पर आ जाएंगे। इधर आपको फास्टैग का एक ऑप्शन शो होगा, तो आप इस पर क्लिक करें। इधर से आप पेटीएम पेमेंट बैंक के फास्टैग को चूज कर लें। करने के बाद इधर फास्टैग में रजिस्टर्ड व्हीकल नंबर एंटर करें। इधर आप कितना अमाउंट Amazon पे से निकालना चाहते हैं वह एंटर कर लें। करने के बाद नेक्स्ट करें। इधर अगर आप 100-200 इस तरीके का छोटा सा अमाउंट Amazon पे से निकालेंगे तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन पर आपको 6-7% का चार्ज देना पड़ सकता है, पर अगर आप एक बड़ा अमाउंट लाइक 500 रुपये, 700 रुपये या 1000 रुपये इस तरीके का अमाउंट Amazon पे से निकालेंगे तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन पर आपको सिर्फ 2-2.5% का ही चार्ज देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऐप पर कन्वीनियंट फी फिक्स है 5 रुपये। अगर आप 100 रुपये ट्रांसफर करेंगे तो अभी आपसे 5 रुपये कन्वीनियंट फीस लिया जाएगा। अगर आप 1000 रुपये ट्रांसफर करेंगे तो अभी आपसे कन्वीनियंट फी 5 रुपये ही लिया जाएगा। तो इस ऐप पर कम से कम चार्जेस लगे इसके लिए आपको बड़ा अमाउंट एंटर करना होगा। तो इधर आप अमाउंट एंटर कर लें। करने के बाद पे पर क्लिक करें। इधर आप थोड़ा वेट करें। वेट करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इधर आप वॉलेट पर क्लिक करें। वॉलेट में आपको Amazon पे का ऑप्शन शो होगा। इधर इस प्लेटफॉर्म पर अभी जून महीने के लिए एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 100 रुपये या उससे ज्यादा का पेमेंट Amazon पे के थ्रू करते हैं तो आपको 25 रुपये तक का कैशबैक Amazon पे वॉलेट में मिल सकता है। तो आप सिंपली Amazon पे पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको टोटल कन्वीनियंट फी और GST शोने लगेगी, एंड अब आपको टोटल कितना पे करना होगा वह आपको नीचे शो हो रहा होगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपको सिर्फ 20 रुपये पे करने होंगे और आपके Amazon पे का बैलेंस आपके बैंक अकाउंट पर आ जाएगा। ये परसेंटेज में कितना होता है इसकी बात करें तो ये होगा 2.66%। तो आप सिंपली द पे पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको Amazon पे के लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो इधर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लें। लॉगिन होने के बाद आपको Amazon पे वॉलेट से पेमेंट करने का ऑप्शन शो होगा, तो आप सिंपली पे नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका पैसा इंस्टेंटली आपके पेटीएम वॉलेट में रिसीव हो जाएगा, एंड पेटीएम वॉलेट टू बैंक आप बड़ी आसानी से फ्री में कर सकते हैं। ये था पहला मेथड जिसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा चार्ज देना पड़ा और पैसा आपके बैंक अकाउंट पर तुरंत रिसीव हो गया। अब हम फ्री वाले मेथड को भी देख लेते हैं जिसमें आपको 1 रुपये का भी चार्ज नहीं देना है। तो फ्री में Amazon पे के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। इधर आने के बाद सबसे पहले आपको इस पेज पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप इधर 3 डॉट पर क्लिक करें, इधर साइन अप पर क्लिक करें।
इधर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना फुल नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करके सबमिट करें। ऐसा करते ही आपका अकाउंट इधर क्रिएट हो जाएगा। फिर आप इधर लॉगिन पर क्लिक करें, इधर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंटर करके कंटिन्यू करें, इधर अपना पासवर्ड एंटर करके सबमिट करें। ऐसा करते ही आप इस वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब आपको इस वेबसाइट से एक प्रोडक्ट को परचेज करना होगा। तो आप जितने भी रुपए अमेजोन पे से बैंक में लेना चाहते हैं उतने रुपए का एक प्रोडक्ट अपने कार्ड में ऐड कर लें। आप सिंपली एक प्रोडक्ट ऐड करके उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो जितने रुपए भी आप निकालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऐड कर लें। तो प्रोडक्ट कार्ड में ऐड करने के बाद आप सिंपली प्रोसीड टू बाय पर क्लिक करेंगे, इधर अपना एड्रेस ऐड कर लें, करने के बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। इधर आप पेज को स्क्रॉल करें, इधर आपको कई सारे पेमेंट ऑप्शन दिख जाएंगे। इधर ही आपको अमेजोन पे का ऑप्शन भी दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक करें। फिर अपने अमेजोन पे में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो लें। लॉगिन होने के बाद आपको अमेजोन पे वॉलेट से पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप उसको चूज करके पेमेंट कर दें। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा एंड आपके अमेजोन पे बैलेंस से इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। अब हमें तो इस ऑर्डर को नहीं लेना है तो हम इसे कैंसिल करेंगे। तो ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए आप इधर थ्री डॉट पर क्लिक करें, इधर माय ऑर्डर पर क्लिक करें, इधर आपको आपका ऑर्डर शो होगा, तो आप सिंपली इधर कैंसिल पर क्लिक करें, इधर आई स्टिल वांट टू कैंसिल पर क्लिक करें, इधर से आप कोई सा भी रीजन चूज कर लें एंड नीचे आप वॉलेट को ही टिक रहने दें। ऐसा करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करते ही आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपका पैसा इंस्टेंटली इस वेबसाइट के वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। अब इस पैसे को इस वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट पर लेने के लिए आप सिंपली इधर रिफंड वॉलेट अमाउंट पर क्लिक करें। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर कर लें। करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। फिर आप जिस भी बैंक में पैसे लेना चाहते हैं उस बैंक की पूरी डिटेल इधर एंटर कर लें। करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करते ही आपका पैसा एंटर क्यू बैंक में सेंड कर दिया जाएगा एंड ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में 8 से 10 या मैक्सिमम 15 दिन में रिसीव हो जाएगा। एंड ये पैसा आपके बैंक अकाउंट पर 100% रिसीव होगा, क्योंकि आपको बताने से पहले मैंने खुद इस मेथड का यूज किया। मैंने दो बार यूज किया और दोनों बार हमें पेमेंट रिसीव हुआ। तो आप इस मेथड को भी ट्राई कर सकते हैं एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो दो मेथड जिसके जरिए आप अमेजोन पे के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको कौन सा मेथड ज्यादा सही लगा वह आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आपके मन में जो भी डाउट है वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।